फिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल एस्पेक्ट्स। ये एक्चुअली हाइपरटेंशन एक काफी अंडररेटेड डिजीज है, नॉट टॉपिक वाइज बट डिजीज वाइज लोग इसे काफी हल्के में लेते हैं, एंड एट द एंड इसके कॉम्प्लिकेशंस फिर काफी ज्यादा होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के। ये आज के सेशन में शुरुआत के 5-6 स्लाइड्स बहुत ही बेसिक बातों से गुजरेंगी, तो उन 6 स्लाइड को थोड़ा जल्दी निपटा देंगे। उसके बाद मेन फोकस करेंगे हम लोग इस पे कार्डियो आउटपुट, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। ये आज के मेन टॉपिक रहेंगे। तो पैथोफिजियोलॉजी पाते हैं इसके। बेसिकली हम हाइपरटेंशन क्या समझते हैं, दैट देयर इज अ सस्टेन्ड एंड एबनॉर्मल एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। दो पॉइंट खास है इसमें यहाँ पे, सस्टेन्ड एंड एबनॉर्मल। सपोज कोई पेशेंट आ गया आपके पास, आपने उसका बीपी नापा, वो निकल गया 160, तो वो नॉर्मल कंडीशंस में भी हो सकता है, जैसे क्योंकि वो उसका नॉर्मल फिजियोलॉजी है, क्या पता पेशेंट भाग के आए हो, तो इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड है एबनॉर्मल, तो एलिवेशन एबनॉर्मली होना चाहिए। और दूसरा सस्टेन्ड, ये नहीं कि सिर्फ एक दिन बड़ा हुआ है तो हमने उसे हाइपरटेंशन कर दिया, ये रेगुलरली डे टू डे लाइफ में उसके ब्लड प्रेशर सस्टेन्ड एलिवेशन है उसका। यहाँ पर सिस्टमिक सर्कुलेशन में आया, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या समझते हैं हम, लेफ्ट वेंट्रिकल से सर्कुलेशन स्टार्ट हो, राइट एट्रियम में ये खत्म हो। ये जो भी कर रहा है ये स्क्रीन पे इसे ना करें। As systolic and diastolic blood pressure goes on increasing, the complications for the hypertension goes on increasing. इस बात को कैसे समझेंगे हम, इसको अगर आप मैनेज नहीं कर रहे हैं तो आगे चल के आपके हार्ट में सपोज इश्मिक हार्ट डिजीज, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, आईज में आएंगे तो थर्ड डिग्री रेटिनोपैथी, ये इसका काफी सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, हो सकता है। ब्रेन में देखें तो सेरेब्रो वास्कुलर स्ट्रोक्स एंड एथेरोस्क्लेरोसिस इन द वेसल्स, ये बहुत ऐसे कॉमन कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, तो इसे टाइम रहते हमें मैनेज करना आना चाहिए। बात करते हैं कट ऑफ वैल्यूज की। कट ऑफ वैल्यूज जानने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यहाँ पे देखेंगे तो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर जनरेटेड इन द आर्टरी ड्यूरिंग सिस्टोल, आर्टरी में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सेम ही वैल्यूज दिए हुए हैं। अगर 140 mm of Hg रहेगा तो हम सिस्टोलिक हाइपरटेंशन कहेंगे, 90 mm of Hg रहेगा तो हम इसे डायस्टोलिक हाइपरटेंशन कहेंगे। इसका आंसर बहुत सिंपल है रिसर्च में पाएगा कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में जब पर्सन 140 या 90 ये ब्लड प्रेशर अटेंड करता है, तो जो ऊपर मैंने आपको बताया था कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस लाइक इश्मिक हार्ट डिजीज, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, रेटिनोपैथी, ये सब दिखने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए एक स्टैंडर्ड टर्म बोल दिया गया कि 140-90 यहाँ से हाइपरटेंशन स्टार्ट होता है। पीपल सफरिंग फ्रॉम सिस्टोलिक हाइपरटेंशन टेंड टू डेवलप लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ये क्या होता है, टू ओवरकम द एक्सेसिव लोड ऑन हार्ट। सपोज पेशेंट आया आपके पास, उसको ओबेसिटी है। ओबेसिटी की सबसे खास बात यह है कि विद एवरी 1 kg ऑफ एक्स्ट्रा वेट की बात कर रहा हूँ, एवरी 1 kg ऑफ एक्स्ट्रा वेट अ पर्सन डेवलप्स 20,000 किलोमीटर ऑफ एक्स्ट्रा कैपिलरी लेंथ। अब भाई हार्ट को उन एक्स्ट्रा लेंथ में भी तो ब्लड पंप कराना होगा, उसी चक्कर में फिर उसका वर्कलोड बढ़ गया। अब उसे ओवरकम करने के लिए वेंट्रिकल्स को अपने नंबर ऑफ सेल्स इन मायोकार्डियम बढ़ाने पड़ते हैं, तो उसे कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इन सम पेशेंट्स सफर फ्रॉम व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, ये बहुत ही फनी डिजीज है, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। भाई पेशेंट हमसे ही डर रहा है, पेशेंट दिखाने आए किसी और चीज़ के लिए, उसने हमारी फीस देखी, देखा कि भाई जल्दी ठीक भी नहीं हो रहा है, बहुत सारे मेडिसिन होते जा रहे हैं, उसका प्रेशर उस समय बढ़ गया। नॉर्मली वो अगर घर जाएगा तो उसका प्रेशर कम रहेगा, लेकिन डॉक्टर क्लिनिक आते ही उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो इसे कहेंगे व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। ये कुछ स्टेजेस दिए हुए हैं हाइपरटेंशन के, ये नॉर्मल, ये भी रिसर्च के बेस पे ये वैल्यू डिसाइड हुए थे। स्टेज 1, स्टेज 2 प्री हाइपरटेंशन 120-139 सिस्टोलिक रहेगा, डायस्टोलिक 80-89। स्टेज 1 पे आएंगे हम कब कहेंगे, जब उसका प्रेशर 140-149 रहेगा एंड 90-99 डायस्टोलिक। स्टेज 2 ये थोड़ा सीरियस कंडीशन हो जाएगा, जब उसका ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 160 रहेगा एंड डायस्टोलिक ग्रेटर देन 100। अब आते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन।
दो तरह के हाइपरटेंशन है, एसेंशियल या फिर हमसे प्राइमरी हाइपरटेंशन भी कहेंगे, दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन अगर हम डिफाइन करें, दिस इज कॉज्ड ड्यू टू मल्टीपल जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। इसके कॉजेस इस सेशन में आगे मैं बताऊंगा, तो अभी इसके यहाँ रेंज है। इसकी खास बात यह है कि दिस कैन नॉट बी क्योर्ड बट ओनली बी मैनेज्ड। अगर एक बार किसी को हो गया तो उसे मैनेज कर सकते हैं हम, अब तक मॉडर्न में यही है। एंड उसे एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स तो लाइफ लॉन्ग देना ही फिर पड़ेगा। आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि भाई उसकी बीपी की दवा बंद हो गई, ऐसा कहीं नहीं होता। दूसरी बात यह है कि एसेंशियल हाइपरटेंशन एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ एज में, स्पेशली 25 इयर्स ऑफ एज एंड 55 इयर्स ऑफ एज, इसके बीच में बहुत कॉमन है। लेकिन अगर आपको 25 से कम के एज में या फिर 55 से एज में ज्यादा ऐसे पर्सन आए और फॉर द फर्स्ट टाइम आपने उसका हाइपरटेंशन केस नोटिस किया, तो आपको तुरंत उस पेशेंट में सेकेंडरी कॉज देखनी चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी कॉज में आएगा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन विच इज कॉज ड्यू टू सम सेकेंडरी फैक्टर। अब सेकेंडरी फैक्टर क्या है? हाइपरटेंशन के कॉज ही कुछ और है, लाइक आपका अगर ट्यूमर हो गया एड्रेनल ग्लैंड में तो ऑब्वियस है एल्डोस्टेरोन ज्यादा सिक्रेट होगा, या फिर जेजीए जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस वहां पे अगर ट्यूमर हो गया तो रेनिन ज्यादा सिक्रेट होगा। अगर आपने इनका ट्यूमर ठीक कर दिया तो हाइपरटेंशन अपने आप कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब कॉजेस सेकेंडरी होंगे, जिनको आप ठीक कर दें तो हाइपरटेंशन खत्म हो जाता है। दीज आर क्यूरेबल एट अर्ली स्टेजेस इफ वी रिमूव द सेकेंडरी फैक्टर। ये बात मैंने आपको बताया कि अगर इनके सेकेंडरी कॉज हम लोग अगर रिमूव कर दें तो ये इनका हाइपरटेंशन खत्म हो जाता है। सिम्टम्स, पेशेंट यूजली आपको टोटली एसिम्टोमेटिक दिखेगा स्टार्टिंग में, इसलिए इसको कहा जाता है साइलेंट किलर। आपको पता भी नहीं होगा कि आपको हाइपरटेंशन है। इवन कोई अगर आपके बगल जो बैठा होगा उसको भी आप देखें, ब्लड प्रेशर नापेंगे तो मे बी आ जाए उसका 140 150, बट वो बिल्कुल नॉर्मल बैठा रहेगा। इसलिए इसको कहा जाता है टोटली एसिम्टोमेटिक। बट दे ओनली शो सिम्टम्स ऑफ ऑर्गन्स विच आर अफेक्टेड बाई इंक्रीज ब्लड प्रेशर। जो ऑर्गन इंक्रीज ब्लड प्रेशर से अफेक्टेड रहेंगे, जैसे ऊपर मैंने पहले बताया था हार्ट, हार्ट में आपको इसमें हार्ट डिजीज हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। आइज पर अगर इफेक्ट आएगा तो उसे कहेंगे रेटिनोपैथी। किडनी पे इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है, उसे कहेंगे हम नेफ्रोपैथी। लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन कैन कॉज कॉम्प्लिकेशन थ्रू आर्टेरियोस्क्लेरोसिस वेयर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाक्स रिजल्ट इन नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस थोड़ा बढ़ तेज हो जाता है इसमें। डायग्नोसिस बहुत सिंपल है, सबको पता है कि स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, ठीक है। खास बात कि आप पेशेंट का सिर्फ एक बार रीडिंग लेकर उसके माथे पे नहीं थोप देंगे कि भाई तुमको हाइपरटेंशन है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आइसोलेटेड रीडिंग तो बिल्कुल लेंगे आप, बिल्कुल नहीं लेंगे, इसलिए क्योंकि इसके डेफिनेशन में भी था कि सस्टेन्ड एंड एबनॉर्मल एलिवेशन रहना चाहिए। आप उसको कम से कम 4 सेपरेट डेज में बुलाएं और उसकी हिस्ट्री भी लीजिए आप, कार्डियोवैस्कुलर हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री लीजिए आप, उससे आप डायग्नोस कर सकते हैं कि इसको हाइपरटेंशन है या नहीं। आप यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ईसीजी ये भी करवा सकते हैं आप डायग्नोसिस के लिए। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, द फंडामेंटल फिजियोलॉजी फैक्टर्स विच कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। अब तो बेसिक बात हो चुकी थी, वो बेसिक बहुत लोगों को पता रहता है, दिक्कत यहाँ से स्टार्ट होता है। ब्लड प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? कार्डियक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये क्या होते हैं समझाता हूँ। कार्डिक आउटपुट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसको समझते हैं, ये बात कहाँ से आई। पहले समझते हैं कार्डिक आउटपुट। ये जो आपको डायग्राम दिखा है ये एक्चुअली मैंने लेफ्ट साइड का बनाया हुआ है, उससे पहले ये जो ऊपर टैंक बने हुए उसको समझाता हूँ। आपने नॉर्मल फिजिक्स में देखा होगा कि अगर दो टैंक हैं उनके बीच में वॉल बना हुआ है, एक टैंक में प्रेशर ज्यादा है एक में कम है। जिस टाइम आपने इसका वॉल्व खोल दिया, सडनली क्या होता है कि जो जिस टैंक में प्रेशर ज्यादा था वो इवनली दूसरे टैंक में भी पहुंच गया फॉर सम सी, लेकिन तुरंत वही प्रेशर ट्रांसफर हो जाता है। सेम अब यही कॉन्सेप्ट कार्डियक आउटपुट में लगाएंगे हम, ठीक है। ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट दिखते हैं हम। ये कार्डिक साइकिल का रैपिड इजेक्शन फेज है। कार्डिक साइकिल में अगर आप साइकिल ये अगर आप किसी भी स्टेज को फर्स्ट स्टेज मानते हैं तो ये उसका तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में क्या रहेगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी उस समय मिट्रल वॉल्व या फिर जिसे हम बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं वो ओपन रहेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल भर रहा होगा और उस समय आपके एरोटिक वॉल्व क्लोज होंगे।
धीमे धीमे क्या होगा, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि एक टाइम आएगा जब आपका माइट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद ये होगा कि वॉल्यूम ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्स्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी एरोटिक वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व दोनों क्लोज है, तो उसे कहेंगे हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद ये आता स्टेज जिसका डायग्राम मैंने बनाया ड्यूरिंग रैपिड इजेक्शन फेज। उसमें क्या होगा, धीमे धीमे लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ता ही रहेगा और बढ़ के एक टाइम ऐसे आएगा जब वो प्रेशर गेन कर लेगा 81 mm of Hg। 81 mm of Hg पे क्या होगा, एरोटिक वॉल्व ओपन हो जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल धीमे धीमे वो प्रेशर ले जाएगा 120 तक। अब जैसे टैंक वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था कि वॉल्व खुलते ही जो प्रेशर यहाँ जनरेट हुआ वही प्रेशर वहाँ फेथफुल ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे वाले में। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल एक चैम्बर है और एरोटा दूसरा चैम्बर है, तो जिस समय ओपन हुआ वॉल्व तो वही प्रेशर जो मैक्सिमम लेफ्ट वेंट्रिकल में 120 जनरेट हुआ था वही 120 ट्रांसफर होगा एरोटा में। अभी एरोटा में जो ब्लड आया है जिस प्रेशर से, जो उसके वॉल्व पे प्रेशर लग रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, ब्लड प्रेशर कहते हैं उसका। ये ब्लड प्रेशर किसकी वजह से हुआ है, कार्डिक आउटपुट भाई। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो पर कॉन्ट्रैक्शन जो वॉल्यूम निकला उसे हम कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हम हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दें पर मिनट के लिए तो वो बन जाता है आपका कार्डियक आउटपुट। इसलिए जैसे कि प्रीवियस में स्लाइड में था कि कार्डियक आउटपुट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टमिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, यहाँ से ये तो हो गया। नीचे लिखा भी हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड पर कॉन्ट्रैक्शन विच कॉजेज 120 mm of Hg, ये हो गया आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम में अगर आपका पर मिनट देखा जाए तो होगा आपका कार्डियक आउटपुट। तो यहाँ से तो ये पता चल गया कि कार्डियक आउटपुट रिस्पॉन्सिबल कैसे है सिस्टोलिक के लिए। अब आते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के लिए, ये क्या है इसको समझते हैं। अभी तक हम कार्डियक साइकिल में कौन से चेंज हुए थे, रैपिड इजेक्शन फेज। रैपिड इजेक्शन फेज में क्या होता था कि लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके रैपिडली अपना ब्लड एरोटा में ट्रांसफर कर रहा था। अब धीमे धीमे जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम होता जाएगा, ब्लड कम होने के साथ साथ क्या होगा, ब्लड कम होने के साथ साथ क्या होगा कि एरोटा में प्रेशर बढ़ता रहेगा धीमे धीमे। धीमे धीमे प्रेशर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि अब वेंट्रिकल में प्रेशर कम हो गया है, तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अ बैक फ्लो एरोटिक वॉल्व क्लोज हो जाएंगी। ये एरोटिक वॉल्व ये क्लोज हो जाएंगी। उसके बाद अब केस क्या था, प्रेशर जो लेफ्ट वेंट्रिकल में अब बचा हुआ है वो इतना कम तो है कि एरोटिक वॉल्व क्लोज करा दे, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ है कि ये जो आपका माइट्रल वॉल्व है ये ओपन करा दे। अब क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ का जो वॉल्यूम था वो कॉन्स्टेंट रह गया, कॉन्स्टेंट बोल दिया, फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक हो गया। तो इस फेज में हम उसका देखेंगे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास एक पाइप है, पाइप में पानी भरा हुआ है, अब वो पानी उसके वॉल पे, पाइप के वॉल पे कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है ये किस पे डिपेंड करेगा, यही कि जो पाइप के दोनों एंड्स है वो कितना ओपन है कितना क्लोज है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाते हैं। सपोज ये पूरा पाइप है, ठीक है, ये पूरा पाइप है। अब इसमें जो ब्लड इसके वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे ब्लड कितना रुक गया है, क्योंकि ये चैम्बर और ये चैम्बर ये तो अलग हो गए क्योंकि इसका वॉल क्लोज हो गया। अब जैसे पाइप में कहा था इसका एक एंड तो क्लोज है, अब इसका प्रेशर डिटरमाइन कौन करेगा, ये दूसरा वाला एंड, ठीक है, ये क्या है, यहाँ के आर्टरियोल्स है, एरोटा से आर्टरी बना, आर्टरी से आर्टरियोल्स बना। अब आर्टरियोल जो यहाँ पे है वो अगर कॉन्स्ट्रक्ट करेंगी तो ब्लड फ्लो इजीली नहीं होगा, तो अंदर प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा। और अगर यही आर्टरीज डायलेट कर देंगी तो ब्लड फ्लो इजी हो जाएगा, और जितना ब्लड फ्लो इजी होगा अंदर प्रेशर कम जनरेट होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आर्टरियोल्स काम क्या कर रही हैं, आर्टरियोल्स ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही हैं। इसी रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे ब्लड प्रेशर डिटरमाइन हो रहा है डायस्टोल के टाइम। इसीलिए कह रहे हैं जो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है आर्टरियोल, यही डिटरमाइन कर रहा है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो अब अगर टीपीआर को डिफाइन करें टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, तो सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस ऑफर्ड बाय आर्टरियोल्स ड्यूरिंग ब्लड फ्लो फ्रॉम आर्टेरियल सर्कुलेशन टू वीनस सर्कुलेशन। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं फिर टीपीआर कैसे डिटरमाइन करता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
अब हमने ये तो देख लिया कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो है कार्डियक आउटपुट और टीपीआर, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब हम वो फैक्टर्स देखते हैं जो इन दोनों फैक्टर्स को चेंज करते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर आपके बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो हार्ट को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। तो ऑल दोस फैक्टर्स विच इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम विल अल्टीमेटली इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। एंड ब्लड वॉल्यूम डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन किन किन पे डिपेंड करेगा। सोडियम, पहला पॉइंट है सोडियम। सोडियम कैसे, सोडियम सबसे खास बात है, अगर आपके ब्लड में रहेगा तो इसकी सबसे खास बात है ये कभी अकेले नहीं रहेगा, ये अपने साथ वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी रखता है। सोडियम है तो या तो वाटर को कहीं से रीअब्सॉर्ब करा देगा या तो आपका थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट करवा देगा कि आप पानी और पिए, और अगर पानी ज्यादा पिया तो अल्टीमेटली थोड़ी देर बाद आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर थोड़ी देर बाद हार्ट से ज्यादा ब्लड पास होगा, उसी चक्कर में आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ा तो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ गया। सेकेंड पॉइंट है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कैसे, लाइक एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, जोना ग्लोमेरुलोसा वहां पे है सेल्स, वहां से रिलीज होता है। इसका काम क्या है, इसका काम वही है कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो नेफ्रॉन है वहां के प्रिंसिपल सेल्स उस पर जाके काम करता है। सोडियम रीअब्सॉर्प्शन वहां से वो काम कराता है। एज आई सेड अर्लियर, सोडियम अपने कभी अकेला नहीं आएगा, सोडियम अपने साथ लेके आएगा पानी, तो वहां से वाटर रीअब्सॉर्ब ज्यादा हो जाएगा साथ में उसके। अगेन वही कहानी है, वाटर जितना ज्यादा रीअब्सॉर्ब होगा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा एंड अगेन आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ गया। थर्ड पॉइंट इसका एट्रोपेप्टिन, इसका दूसरा नाम भी है नेटली यूरेटिक फैक्टर। ये रिलीज कहाँ से होता है, आपके एट्रिया के वॉल्स करती है। जब पेशेंट में ब्लड वॉल्यूम बढ़ा रहता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा रहेगा तो जब वीनस रिटर्न टू द हार्ट होगा, द हार्ट पे राइट एट्रिया में ब्लड वापस आता है तो सडनली ओवर स्ट्रेच हो जाता है राइट एट्रिया के वॉल्स। राइट एट्रिया के वॉल्स होती हैं वो ज्यादा फैल जाती हैं। जब ओवर स्ट्रेच हो जाएगा तो वहां से रिलीज करता है ये नेटली यूरेटिक फैक्टर। इसका काम क्या, इसके दो काम मेन है। पहली बात तो ये कुछ हद तक वैसोडाइलेशन क्रिएट कर देगा जिससे कि जिस प्रेशर से वो ब्लड वापस आ रहा है वो थोड़ा कम हो। दूसरा काम ये है कि ये एंटागोनिस्टिक टू उसके एल्डोस्टेरोन। कैसे, एल्डोस्टेरोन काम क्या करता, वो पीसीटी डीसीटी पे काम करता और वहां से सोडियम रीअब्सॉर्प्शन तेज करा रहा था वहां, और ये उसका उल्टा काम कर देगा नेट्री यूरेटिक फैक्टर। नेट्री यूरेटिक फैक्टर काम क्या है, नेट्री यूरेसिस मतलब सोडियम लॉस करा देगा बॉडी से। एल्डोस्टेरोन काम क्या कर रहा था कि सोडियम रीअब्सॉर्ब करा रहा था, इसका काम क्या रहेगा कि सोडियम लॉस करा देगा। सोडियम कम रहेगा तो वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी कम होगी, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, उसी चक्कर में आपका कार्डियक आउटपुट कम हो गया। सम फैक्टर्स विच इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, मतलब डायरेक्टली कुछ फैक्टर जो कार्डियक आउटपुट आपका डिटरमाइन करते हैं, जैसे हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट का तो फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला क्या है कि स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। हार्ट रेट आपका जितना ज्यादा रहेगा उतनी आपका कार्डियक आउटपुट रहेगा। दूसरा पॉइंट है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या है कि इट इज द वेलोसिटी विद विच द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वेंट्रिकल्स या फिर मसल्स कहेंगे, विद विच द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और द स्ट्रेंथ विद विच द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका वेंट्रिकल बहुत पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो जितना पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन रहेगा उतना ही कार्डियक आउटपुट आपका बढ़ जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी डायरेक्टली डिपेंड करेगा कार्डियक आउटपुट के। इसी तरह से कुछ पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक ड्रग भी आते हैं जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाते हैं, लाइक डिजिटेलिस, एक बहुत अच्छा ड्रग है जो पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक ड्रग की तरह काम करता है। अब बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टीपीआर, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। उसमें क्या था आपने टीपीआर में कि आर्टेरियोल्स कितना डायलेट कर रहा है, कितना कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट करने में यही तो चेक कर रहे थे हम। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिटरमाइन क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्टर्स एंड डायलेटर्स। कॉन्स्ट्रिक्टर्स में क्या है, एंजियोटेंसिन 2। अभी आपको रस मैकेनिज्म जब समझाऊंगा तो आप इसमें इसका रोल देखेंगे एंजियोटेंसिन 2 का। ये एक बहुत ही अच्छा वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। कैटेकोलामिन्स ये भी है और यहीं पर डायलेटर्स भी हैं। फिर कुछ नाम है उसके, प्रोस्टाग्लैंडिंस, नाइट्रिक ऑक्साइड, ब्रैडीकाइनिन्स, ये सभी आपका फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे टीपीआर में। टीपीआर अफेक्ट होगा तो टीपीआर से अल्टीमेटली घूम फिर के आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये डिटरमाइन होगा। अब आते हैं इसके कॉजेज ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन। कॉजेज जानने से पहले आप इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए कि देर इज नो सच
डेफिनेट कॉज, कोई ऐसा सिंगल कॉज नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि पेशेंट जो आपके पास आया है इसी वजह से इसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ये खास बात है। पहले देखते हैं यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, SNS। आपकी बॉडी जब भी एक्टिवेट होगा बहुत सारे काम होने शुरू हो जाते हैं, उनमें से सबसे मेन दो जो काम है आपका हार्ट रेट और आपका वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन, और ये दोनों ही आपको चेंज कराते हैं TPR और कार्डियक आउटपुट। SNS का रोल यहाँ पे ऐसे आता है, हाइपर रिएक्टिविटी ऑफ द RAS, ये इसका अगले स्लाइड है तो इसको अभी रहने देते हैं। डिफेक्ट्स इन द मिसहैंडलिंग ऑफ सोडियम या फिर डिफेक्ट्स इन नेट्रियोरेसिस, एल्डोस्टेरोन और एट्रोपेप्टिन या फिर नेट्रियोरेटिक फैक्टर्स, अगर ये अपना काम सही से नहीं करें तो आपके एसेंशियल हाइपरटेंशन कॉज करने में ये इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सोडियम इनटेक, आप जो खाना खा रहे हैं, आपने खाना खाया सोडियम का अमाउंट ज्यादा है तो वो भी अल्टीमेटली कॉज करेगा, क्योंकि ब्लड में आपको सोडियम लेवल बढ़ जाएगा, सोडियम का लेवल बढ़ेगा उसके बाद तो फिर वही पूरी कहानी दोबारा चलेगी कि वाटर ज्यादा रिटेन करेगा, वाटर रिटेन करेगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। इसलिए आपने सुना भी होगा, इवन आपको भी एडवाइस करना चाहिए अगर आपके पास पेशेंट है तो, सबसे बेसिक एडवाइस एक घर घर की बात है, हर कोई एडवाइस कर देता है कि आप नमक कम खाइए, सोडियम। ओबेसिटी, ओबेसिटी की कहानी तो पहले बता चुका हूँ कि एवरी 1 kg ऑफ एक्स्ट्रा वेट 20,000 kilometers ऑफ कैपिलरी लेंथ इज इंक्रीज्ड, उन सबको पंप करने के लिए हार्ट को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो ये घूम फिर के आपके हाइपरटेंशन का कॉज बन सकता है। एल्कोहल एंड सिगरेट स्मोकिंग, दीज आर द इरिटेंट्स टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इरिटेट कर देते हैं ये SNS को, घूम फिर के SNS फिर अपना काम करेगा, हार्ट रेट कॉन्स्ट्रिक्शन ये काम करेगा। आपके पास अगर कोई पेशेंट भी आएगा, पेशेंट आपके आपके पास आया और वो एल्कोहल एडिक्ट रहा तो आपको उसका ब्लड प्रेशर मैनेज करने में काफ़ी दिक्कत आएगा, क्योंकि पेशेंट जनरली अपना एल्कोहल हैबिट्स चेंज नहीं कर पाता, जो क्रॉनिक एल्कोहलिक पर्सन है वो चेंज नहीं कर पाता, इसलिए काफ़ी चैलेंजिंग उस समय हो जाता है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल ऑब्वियस है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं ज़्यादा आप ओबेस ज़्यादा हो जाएंगे, आपका हार्ट अपना इफेक्टिवली पंप नहीं करेगा। सीडेंटरी लाइफस्टाइल में साइथीमिया क्या है कि नंबर ऑफ RBCs इन द ब्लड इज इंक्रीज्ड। अब RBC इंक्रीज होने से क्या होगा, ब्लड आपका विस्कस हो जाएगा, और कोई विस्कस चीज जब आपके एक पाइप से गुजरेगा तो ऑब्वियस है कि वो विस्कस लिक्विड आपके पाइप पे के वॉल पे ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा। NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ये भी हाइपरटेंशन के लिए कॉज करते हैं। ये अब ये आता है हमारा आज का सबसे मेन टॉपिक, RAS मैकेनिज्म। RAS का फुल फॉर्म क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये इसका है मेन। इसके मेन दो काम रहते हैं कि बॉडी में पहली बात तो ये ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करे और दूसरा ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। तो चलिए फिर देखते हैं, स्टार्ट करने से पहले हम इसका पहले आउटलाइन देख लेते हैं कि यहाँ पे है क्या क्या। ये आपका है जनरल सर्कुलेशन, ठीक है, पूरे बॉडी का जनरेशन, ये काफी ईजी वे में डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे ये है आपका नेफ्रॉन, ये पोर्शन आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये है आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये इसके जनरल आउटलाइन होगी। आपकी जनरल सर्कुलेशन से रीनल आर्टरी आ जाती है एट द लेवल ऑफ L2, और L2 से फिर आपका वहीं से रीनल ब्लड प्लाज्मा फ्लो वो डिटरमाइन होता है। जितना सिंपल डायग्राम है यहाँ से जनरल सर्कुलेशन से लेकर ये पूरा एफरेंट आर्टरियोल, इतना सिंपल है नहीं, इसको अगर मैं डायग्राम में सब चीज दिखा देता तो ये डायग्राम काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। मैं ओरली आपको बता दे रहा हूँ, नीचे से एरोटा आएगी, एरोटा के L2 लेवल पर सेकंड नंबर लेवल पर आपका रीनल आर्टरी अराइज होती है। रीनल आर्टरी अल्टीमेटली बनेगा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीनल आर्टरी, उसके बाद बनेगा वो इंटरलोबार, फिर आर्कुएट आर्टरी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी, फिर बनता आर्टरियोल्स। स्टार्ट करने से पहले एक और चीज देख लीजिए आप, इसको पहले डिफाइन कर दे रहा हूँ कि ये क्या है। ये जो पोर्शन है ये है आपका जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ये किससे किससे बना है, पॉलकिसिन सेल से, और दूसरा मैक्युलोडेंसा इससे बना है। पॉलकिसिन सेल्स का काम क्या है, ये अपने साथ रखता है एक तराजू। तराजू किस लिए भाई, अगर प्रेशर कम रहेगा तो उसे नोट कर लेगा और अपना काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे मैक्युलोडेंसा, मैक्रोडेंसर भी अपने साथ तराजू रखते हैं, दोनों ही तराजू रखने वाले सेल्स हैं। तराजू किस चीज का, ये सोडियम को सेंस करेगा, सोडियम का बैलेंस को चेक करता रहती है,
ठीक है, चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। थोड़ा जल्दी बनना पड़ेगा, थोड़ा टाइम कम है यहाँ पे, ठीक है, तो जल्दी निपटाता हूँ। दो दो कंडीशन यहाँ पे रेनिन रिलीज करने के, ठीक है। अगर एक पेशेंट है, उसका अगर ब्लड वॉल्यूम कम है, या फिर कोई हैमरेज हो गया, या फिर उसका ब्लड वॉल्यूम किसी भी रीजन से कम है, तो ऑब्वियस है यहाँ से रीनल परफ्यूजन कम होगा, ठीक है। रीनल परफ्यूजन कम होगा तो रीनल ब्लड प्लाज्मा फ्लो कम रहेगा। और किसी पाइप से अगर पानी कम आएगा तो ऑब्वियस वहाँ प्रेशर भी कम जनरेट होगा। तो यहाँ पे बैठा था पोलकेसिन सेल्स, इसने जब प्रेशर देखा कि ब्लड का प्रेशर कम है, तो इसने रिलीज किया ब्लड में रेनिन, ठीक है, रेनिन रिलीज किया सर्कुलेशन में। अब यही कम वॉल्यूम ब्लड जब यहाँ पे जीएफआर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में आएगा, तो आपका ऑब्वियस है जीएफआर भी कम बनेगा, ठीक है। जीएफआर कम बना तो यहाँ पे बैठे पीसीटी सेल, एक मिनट, यहाँ बैठे पीसीटी सेल्स, यहाँ पे अगर फ्लूइड कम है तो ऑब्वियस है कम फ्लूइड पे कोई सेल्स बहुत जल्दी इफेक्टिवली काम करेगा। एक नॉर्मल पर्सन में यहाँ से 65% ऑफ सोडियम एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन अगर फ्लूइड कम है तो पीसीटी सेल्स 65% ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, मेनली 80-90% हो जाता है एब्जॉर्प्शन। अब यही जब कम फ्लूइड यहाँ से लूप ऑफ हेनले से होते हुए मैक्रोडेंस रीजन के पास पहुंचेगा, तो जब पीसीटी ने पहले से ही सारे सोडियम एब्जॉर्ब कर चुका है, तो यहाँ पे मैक्रोडेंसा को सोडियम कम सेंस हुआ, तो मैक्रोडेंसा अब दोबारा एफरेंट सॉरी पॉलकिसन सेल्स को इनिशिएट करें कि रेनिन रिलीज करो जनरल सर्कुलेशन में। तो ये दो कंडीशन तो हमने देख ली कि रेनिन किन किन कंडीशन पर रिलीज हो रही है। आप बात करते हैं कि जनरल सर्कुलेशन में रेनिन आ चुका है, ठीक है। जनरल सर्कुलेशन के थ्रू रेनिन जाएगा लिवर में, लिवर में बैठा है एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन आपके बॉडी में हमेशा ही बनता रहता है। जब रेनिन पहुंचा तो एंजियोटेंसिनोजन 1 को इसने कन्वर्ट किया आपको एंजियोटेंसिन 2 में। अब एंजियोटेंसिन सॉरी 1 एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब आपके जनरल सर्कुलेशन है एंजियोटेंसिन 1, इसको भी शांति से बैठना है नहीं, ये भी कहीं ना कहीं घूमे गई, ये गया फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन में, यहाँ पर आया। अब वहां पे जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं उसके एंडोथेलियल सेल्स में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम उसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में। तो अब यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 आ गया। एंजियोटेंसिन 2 का सबसे मेन काम है कि वो जाएगा यहाँ से एड्रेनल कॉर्टेक्स, सोडियम रीअब्सॉर्प्शन तेज कर देगा। सोडियम ज्यादा रीअब्सॉर्ब हुआ तो अल्टीमेटली घूम फिर के वही हुआ, वाटर ज्यादा, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा और कार्डियक आउटपुट ज्यादा, ठीक है। अब आपके सर्कुलेशन है कौन है, एंजियोटेंसिन 2। तो अब इसके थोड़े से फंक्शन जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। इसके रिसेप्टर्स आर्टेरियोल्स और वेंट्रिकल्स दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। इससे काम क्या होगा, अगर आर्टेरियोल्स में कॉन्स्टिट्यूट करेगा तो आर्टेरियल्स कॉन्स्ट्रेक्ट करने का मतलब है कि आपका टीपीआर बढ़ा देगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। वेंट्रिकल्स कॉन्स्ट्रेक्ट करेगा तो वीनस रिटर्न तो बढ़ जाएगा, और उसी चक्कर में आपका क्या बोलते हैं कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा एल्डोस्टेरोन, मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताई दिया, और इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है ऑन द हाइपोथैलेमस। ये काम क्या करता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को वहां से ये फोर्स करता है कि ये एक एंजाइम रिलीज करे, वो होता है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन का काम है कि इट मेक्स द लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन मोर परमिबल टू वाटर, ये काम है। अब वाटर ज्यादा परमिबल हो जाएगा, वाटर रीअब्सॉर्प्शन तेज रहेगा, उसके चक्कर में ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। लास्ट पॉइंट आता है इट ऑल्सो इंक्रीज थर्स्ट, हाइपोथैलेमस को इनिशिएट करता है, थर्स्ट सेंटर उसको एक्टिवेट करता है, और ये काम ये करता है एंजियोटेंसिनोजन 2। और ये हमारा लास्ट स्लाइड आज का है, ठीक है। जितनी कहानी अब तक पढ़ी हमने उसको उसी के बेसिस पे हमें अपना लाइफ स्टाइल रखना चाहिए, लाइक रिस्ट्रिक्शन ऑफ द सॉल्ट्स, आपने सोडियम इंटेक जो कि मैंने कॉज बताया था कि आप उसको कम रखिए, उस चक्कर में क्या होगा कि आपके ब्लड में सोडियम का लेवल कम रहेगा। मॉडरेशन ऑफ एल्कोहल कंजम्पशन,
भाई अगर कोई अल्कोहलिक पेशेंट आया है तो उसके अल्कोहल कंजम्पशन या फिर अल्कोहल हैबिट में आपको चेंजेस लाने ही पड़ेंगे, वरना फिर काम नहीं बनेगा। दूसरा है हाई कंजम्पशन ऑफ द वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड लो फैट्स। फ्रूट्स में भी सबसे खास बात है क्या, बनाना यूज कीजिए। क्यों बनाने की खास बात है कि बनाने में पोटेशियम आयन बहुत ज्यादा है, उस चक्कर में क्या होगा, अब पोटेशियम आयन से फायदा क्या है, आपके सेल्स के मेम्ब्रेन पर सोडियम पोटेशियम एटी बेसिस होते हैं, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर। अगर आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अगर पोटेशियम लेवल कम रहेगा, तो जो इंट्रा सेलुलर सोडियम है उससे एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। अब इसमें होगा क्या कि जो सोडियम सेल्स के अंदर रह गए हैं वो अब एक्सचेंज होंगे कैल्शियम से। कैल्शियम से एक्सचेंज होने का मतलब क्या है कि अब कैल्शियम आए हैं तो सेल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी। और यही अगर मायोकार्डियम के सेल्स में हो कि सेल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ गई है, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी अल्टीमेटली आपके कार्डियक आउटपुट बढ़ा देगा। ठीक है, दूसरा रिड्यूसिंग वेट्स एंड मेंटेनिंग इट। वेट रिड्यूस होगा, ओबेसिटी, भाई आप हर 1 किलो कम कीजिए आपके शरीर से 20,000 किलोमीटर कैपिलरी की लेंथ कम होती रहेगी, हार्ट को उतने काम करना पड़ेगा, कम काम करना पड़ेगा। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, ओबेसिटी कम करने के लिए यही सब मेन है, फिजिकल एक्सरसाइज। और आपका हार्ट हार्ट के हेल्थ, आपके मायोकार्डियम ये स्ट्रॉन्ग, ये वेसल्स, ये मसल्स काफी स्ट्रांग रहेंगी। एंड स्ट्रेस रिडक्शन, स्ट्रेस रिडक्शन ही काफी कम रहेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतने रहने देते हैं, टाइम थोड़ा कम बचा हुआ है, 2 मिनट है। एक क्वेश्चन मैंने अभी देख लिया कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये किसी ने पूछा है, हाँ टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है कि अगर एक पाइप है, पाइप के अंदर जितना पानी रहेगा वही डिटरमाइन करेगा कि पाइप के वॉल पे कितना प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, अब ये किन किन बातों पर डिपेंड करेगा कि पाइप के दोनों एंड्स कितने कितने ज्यादा बंद है। अब वो एरोटा के केस में क्या था, और पीछे जा सके तो दिखा दो आपको जल्दी से। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका एरोटिक वॉल्व तो क्लोज है, ठीक है, तो अब इस पाइप का दूसरा एंड डिसाइड करेगा कि यहाँ पर कितना प्रेशर जनरेट होगा। आर्टेरियोल्स का, आर्टेरियोल्स जितने ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट रहेंगे अंदर प्रेशर उतना मेंटेन रहेगा, और जितने ज्यादा डायलेट रहेंगे वो अंदर इतना ही कम बनेगा। तो ये आपका टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो गया। बाकी डाउट्स ठीक है डॉक्टर अजय।